हाय गाइज, मेरा नाम है बावेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खबर आप तक। बात करेंगे पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बारे में। केंद्र सरकार लगातार विपक्ष और जनता के निशाने पर है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं और गरीब आदमी की कमर तोड़ साबित हो रहे हैं। आपको बता दें कि पेट्रोल का दाम लगभग सभी राज्यों में 80 रुपये के पार चला गया है और वहीं डीजल 75 रुपये प्रति लीटर के लगभग बेचा जा रहा है। सरकार ने इस महंगाई से पार पाने और जनता को राहत देने के लिए कल कैबिनेट की एक अहम बैठक बुलाई है, जिसके अंदर पेट्रोलियम विभाग के साथ वित्त विभाग के कर्मचारी, मंत्री और उच्च अधिकारी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्साइज ड्यूटी को कम करने और राज्यों को भी वेट कम करके जनता को 5 से 6 रुपये प्रति लीटर में राहत पहुंचाने का अहम निर्णय ले सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि वित्त विभाग की मीटिंग इसलिए भी साथ में जोड़ी गई है क्योंकि एक्साइज ड्यूटी से आने वाले पैसों में कटौती करने के बाद भारत सरकार के आगामी योजनाओं के लिए क्या पैसे का बजट और क्या वित्तीय व्यवस्था रहेगी, इसकी निगरानी और पूरी समीक्षा कल मीटिंग में तय की जाएगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्साइज ड्यूटी के नाम पर पेट्रोल और डीजल से केंद्र सरकार 19 रुपये लोगों से वसूलती है, उसको अगर कम करके 3 रुपये या 4 रुपये भी अगर कम करती है तो आने वाले समय में यानी कि कल कैबिनेट के फैसले के बाद जनता को 5 से 6 रुपये प्रति लीटर में राहत मिल सकती है। क्या इसका फैसला निकल करके आएगा वो आपको और अपडेट वीडियो के साथ पहुंचाएंगे। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल खबर आप तक। धन्यवाद।